जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों का दिनेश सर आईटी में एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आज हम मध्य प्रदेश की एक और नई भर्ती आपको लेकर आ चुके हैं। ये जो आपकी भर्ती रहेगी फील्ड मॉनिटर की आपकी भर्ती होनी मध्य प्रदेश में, इसका जो नोटिस है यहाँ पर जारी कर दी गया है और आप लोगों के ऑनलाइन ही आवेदन करना पड़ेंगे। यदि मैं लास्ट डेट की बात करूँ तो देख आप लोग 8 नवंबर तक वहाँ पर आवेदन कर सकते हैं ऑनलाइन के माध्यम से। चलिए हम देख लेते हैं कितनी पोस्ट रहने वाली हैं, किस तरह आपका सिलेक्शन होने वाला है और क्या फीस लगने वाली है, पूरा वीडियो बताऊंगा। वीडियो को इसके अपना करने वीडियो पूरा देखें। आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए या नए आए तो मेरा आपसे निवेदन है, अनुरोध है, चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन कर लें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको हमारे इस चैनल के माध्यम से मिल सके। चलिए हम चलते हैं पोर्टल पर, कहाँ से करना डाउनलोड आपको जाना इनकी पोर्टल पर, और यहाँ पर इस पोर्टल पर आपको जाना है। इनका जो पोर्टल है भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के जैव प्रौद्योगिकी विभाग की स्वायत्त संस्था, ठीक है, यहाँ पर भर्ती होनी है। आप लोग यहाँ पर जाओगे, करियर पर क्लिक करोगे यहाँ पर और जॉब पर क्लिक करोगे। जैसे ही आप लोग करियर जॉब क्लिक करते हो आपके सामने आ जाएगा करंट ओपनिंग, ठीक है, नहीं अप्लाई, यहाँ से आप लोग अप्लाई यहाँ पर करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका जो नोटिफिकेशन है आप लोग यहाँ पर करना पड़ेगा, ये दिख रहा है आपको फील्ड मॉनिटर, ठीक है। इसकी जो लास्ट डेट है, ठीक है ना, आप लोग 11, ठीक है ना, 8 नवंबर तक आप लोग यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। डाउनलोड जो नोटिफिकेशन रहेगा यहाँ से आप लोग कर लें डाउनलोड, और ऑनलाइन आपको यहाँ पर कनेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम कर ले देखते हैं, ऑनलाइन क्लिक कर लेते हैं हम, और यहाँ पे हम देख लेते हैं क्या होता है। देखिए जैसे ही हम करते हैं तो हमारे सामने ये जाता है, ठीक है, आप ये जाएगा पूरा पेज, आपको जाना पड़ेगा अप्लाई पे, ठीक है, यहाँ पर, और यहाँ पर देख रहा है आपको इस पर क्लिक करना पड़ेगा अप्लाई पे। जैसे ही आप लोग अप्लाई क्लिक करते हैं तो अप्लाई का ये खुल जाएगा आप लोगों के लिए। यहाँ से आप लोग करना लॉग इन, ठीक है ना, और रजिस्टर आप लोग यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है ना, रजिस्टर करने का ये दी होगा। अब हम चलते हैं नोटिफिकेशन पर, और इसका जो नोटिफिकेशन हमने कर लिया डाउनलोड, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो नोटिफिकेशन है आप लोग यहाँ देखिए यहाँ पर, और मैं कर लेता हूँ ऊपर। देखिए ये जो आपकी वैकेंसी रहेगी, देखिए 30 अक्टूबर को ये नोटिस यहाँ पर जारी किया गया है आप लोगों का, और यहाँ पे हम चलते हैं मध्य प्रदेश पे, ठीक है। यहाँ पे और राज्यों के निकाले गए फील्ड मॉनिटर के, यहाँ पर देखो वन पोस्ट है इन राज्यों के लिए रहने वाली, लेकिन यहाँ पर कहते हैं मध्य प्रदेश की। तो हम चलते हैं नीचे और यहाँ पर आ जाते हैं मध्य प्रदेश, ठीक है। ये फील्ड ऑफिसर की वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई, देखिए उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, ठीक है। यहाँ पर आपका जो प्रोजेक्ट का नाम रहेगा आईटी एंड आपका बायो मार्कर, ठीक है, सर्वेयर इन इंडिया, ठीक है, ये रहेगा आपका प्रोजेक्ट का नाम, और 30,000 रुपये पर मंथ आपको सैलरी यहाँ पर मिलने वाली है, ठीक है। यहाँ पर जो एज ये मैक्सिमम 35 बार एज मांगी गई है, और आपका रहेगा कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पर आपका यहाँ पर रहने वाला, ठीक है। और यहाँ पर हम बात कर लेते, देखिए पहले 5 मंथ के लिए रखा जाएगा, बाद में इसको एक्सटेंड यहाँ पर कर दिया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर लोकेशन आपका मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश आपका यहाँ पर रहने वाला है। और क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं, और देख तो आपके पास मास्टर डिग्री है फार्मेसी से, पब्लिक हेल्थ से, लाइफ साइंस से, इनसे किसी में भी आपके पास है तो आप लोग इसमें आवेदन यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। ये आपके पास ग्रेजुएशन है फार्मेसी से, ठीक है, तो भी आप लोग आवेदन कर सकते हैं। तो संबंधित क्वालिफिकेशन यदि आपके पास होगी तो आप लोग यहाँ पर आवेदन यहाँ पर कर पाएंगे, ठीक है। और एक्सपीरियंस भी यहाँ पर इन्होंने मांगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं अब आपका जो जॉब प्रोफाइल, तो आपको ये संबंधित जो काम दिया हुआ वो आपको यहाँ पर काम यहाँ पर करना पड़ेगा, ठीक है। और बाकी पास आपको ये नॉलेज आपके पास होना अनिवार्य यहाँ पर रहने वाला है। और यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, देखो जो लास्ट डेट की रहने वाली है, ठीक है, ये आपको, ठीक है, 8 नवंबर तक आप लोग यहाँ पे आवेदन आप कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों का जो सिलेक्शन किया जाएगा दोस्तों, शॉर्ट लिस्ट आप लोग फॉर्म भरोगे तो यहाँ पर शॉर्ट लिस्ट के माध्यम से आपका सिलेक्शन यहाँ पर किया जाना है, ठीक है, वो आपको यहाँ पर देख सकते हो। और यहाँ पर अप्लाई आपको ऑनलाइन करना पड़ेगा यहाँ पर, और जो जो आपकी लगने वाली सभी सॉफ्ट कॉपी ये लगेंगी, ठीक है, उसमें अपलोड करना पड़ेंगे 10वीं 12वीं, ठीक है, डिप्लोमा हो तो ग्रेजुएशन हो, ठीक है, ये संबंधित क्वालिफिकेशन हो तो आप लोग यहाँ से आवेदन यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये पूरा यहाँ पर रहने वाला है। और इसकी जो फीस रहेगी, देखिए जनरल वालों की ओबीसी ईडब्ल्यूएस की रहेगी 236 रुपये, और एसटी रहेगी आपको 118 रुपये, यहाँ पर आपकी फीस यहाँ पर लगने वाली, ठीक है। तो ये आपका फीस यहाँ पर रहने वाला है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं नोटिस डाउनलोड करके, और जिनको आवेदन करना वो यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ। आप सभी लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ओके दोस्तों, थैंक्स।